दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के नजदीक 5 ऐसे हिल स्टेशन जो आपकी गर्मियों की छुट्टियों को बहुत ही सुकूनमय बना देंगे। और हाँ दोस्तों, जो हिल स्टेशन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो मसूरी, नैनीताल और शिमला से थोड़ा हटकर है। हटकर दोस्तों मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट होती है तो वैसे ही इन हिल स्टेशन पर बहुत ही ज्यादा भीड़ आने लगती है, जिसकी वजह से घूमने का मजा बिल्कुल खराब हो जाता है और महंगाई भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आज हम आपको ऐसे हिल स्टेशन बताने जा रहे हैं जो दिल्ली से नजदीक भी है और आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग देने वाले हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ज्यादा भीड़ भाड़ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इन हिल स्टेशन पर आप कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ सस्ते में रुक सकते हैं और खाना पीना कहाँ खा सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं क्योंकि आज हम आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला हिल स्टेशन ही हमारा सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन है, और वो क्यों है वो भी हम आपको एंड में ही बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हम बहुत ही प्यार और मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो चैनल को हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में स्थित एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। नैनीताल घूमने आए ज्यादातर टूरिस्ट मुक्तेश्वर भी घूमने आते हैं। मुक्तेश्वर नैनीताल से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 330 किलोमीटर की दूरी पर है। मुक्तेश्वर आप दिल्ली से बस से और अपनी कार से भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन से भी यहां पहुंच सकते हैं। मुक्तेश्वर के जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम का है। बात करें यहाँ के घूमने की जगहों के बारे में, यहाँ आप चोली की जाली, मुक्तेश्वर धाम मंदिर, भालूगढ़ वाटरफॉल जैसी जगह घूम सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए भी आपको बहुत से सस्ते होटल आराम से मिल जाते हैं। प्रकृति से जुड़ने के लिए और एक शांत वातावरण के लिए मुक्तेश्वर बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ अपने परिवार व प्रियजनों के साथ घूमने जा सकते हैं। से हटकर और एक बहुत ही शांत सा हिल स्टेशन है लैंसडाउन। दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है लैंसडाउन। यह उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बहुत ही सुकूनमय हिल स्टेशन है जो कि अपने ब्लू पाइन फॉरेस्ट और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों आप पूरे साल में से किसी भी टाइम लैंसडाउन घूम के जा सकते हैं। यहाँ आपको हर समय मौसम अच्छा ही मिलेगा। लैंसडाउन दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग से आ सकते हैं। लैंसडाउन की जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो कोटद्वार का है, जहाँ से लैंसडाउन तक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। और लैंसडाउन की जो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है वो देहरादून का है। यहाँ से लैंसडाउन तक की दूरी 150 किलोमीटर की है। लैंसडाउन में आप भूला लेक, टिप्पन टॉप, जय तारकेश्वर मंदिर, भीम पकौड़ा घूम सकते हैं। यहाँ आप होटल कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि ये सारे घूमने की जगह आपको होटल से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ही मिल जाती है। लैंसडाउन में आपको 1000 से 1200 तक के बीच में अच्छे होटल मिल जाते हैं। अगर आप गढ़वाली खाने का मजा लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ जरूर खाएं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने तीसरे हिल स्टेशन कसौली के बारे में। कसौली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जिसकी दूरी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग जाएगा। कसौली आप सड़क मार्ग या रेल मार्ग किसी से भी आ सकते हैं। इसके जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो कालका का है। कालका से कसौली तक की दूरी 25 किलोमीटर की है, जहाँ आपको पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ घूमने के लिए आप मंकी पॉइंट, सनसेट पॉइंट, संजीवनी हनुमान टेंपल और मॉल रोड घूम सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए भी आपको बहुत से अच्छे होटल और होम स्टे मिल जाते हैं जो 800 से 2000 तक के बीच में आते हैं।
इसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट और डिनर भी मिल जाता है। कसौली पूरे साल घूमने के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ हर समय मौसम आपको ठंडा ही मिलता है। शिमला की भीड़ घाट से हटकर हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही शांत हिल स्टेशन है चैल। दोस्तों हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है चैल, जो कि दिल्ली से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों आप चैल दिल्ली से सड़क मार्ग से चंडीगढ़ शिमला हाईवे होते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आप रेल से कालका रेलवे स्टेशन पहुँच कर कंधा घाट तक टॉय ट्रेन से जा सकते हैं। कंधा घाट से चैल तक की दूरी लगभग 24 किलोमीटर की है। वहां तक पहुंचने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। चैल में विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना क्रिकेट स्टेडियम भी है। यहां पर आप चैल पैलेस, महाकाली टेंपल, स्टोन कुंभ, शिव टेंपल, चैल क्रिकेट ग्राउंड जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। चैल में आपको रुकने के लिए बहुत से सुंदर रिजॉर्ट और कैंप मिल जाते हैं। नेचर फ्लावर के लिए चैल एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन चकराता की। दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है चकराता। चकराता उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही सुंदर और प्यारा हिल स्टेशन है। चकराता कपल्स और फैमिली दोनों के लिए ही बेस्ट ऑप्शन है घूमने के लिए। अगर आप स्नो स्कीइंग का मजा लेना चाहते हैं तो आप चकराता जरूर जाएं। चकराता दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है। चकराता सड़क मार्ग, रेल मार्ग व हवाई मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। चकराता के जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो देहरादून का है और एयरपोर्ट भी आपको देहरादून का ही पड़ेगा। देहरादून से आप चकराता पहुंचने के लिए शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी या बस ले सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है। चकराता में आप चिरमिरी पीक, देवबन, सनसेट पॉइंट, टाइगर वाटरफॉल जैसी जगह पर घूम सकते हैं। यहाँ आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ कैंप में भी रुक सकते हैं। टूरिस्ट के बीच ज्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से यहाँ आपको बहुत ही कम भीड़भाड़ मिलती है, जिससे आप बहुत ही शांति से और सुकून से घूम पाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 पसंदीदा हिल स्टेशन जो कि भीड़भाड़ से हटकर हैं। तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा हिल स्टेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए।